Today we have class test from Neel had noodles. Who said these lines? Ye lines kon bole? He pulls our hair. Ye lines kon bole? Ye lines kon bole? Aap logon ko copy mein likhna hai. You have to write in your copy. Copy mein likho. Who said these lines? He pulls our hair. Sirf answer likhna hai. Sirf answer likhna hai. ट्राई करो आंसर लिखने के लिए. स्पेलिंग गलत होने से भी कुछ नहीं होता है, बट यू शुड ट्राई टू राइट. राइट डाउन हु सेड दीज लाइंस. ये लाइंस कौन बोले थे? यू शुड राइट द आंसर. ही पुल्स अवर हेयर. ये लाइंस कौन बोले? स्टोरी स्टोरी में ये लाइंस कौन बोले थे? वो हमारा बाल खींचता है. कौन बोले थे ये लाइंस? मैं बताऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नील्स क्लासमेट्स. नील्स क्लासमेट्स. नील्स क्लासमेट्स बोलते हैं ना कि ही पुल्स अवर हेयर करके. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है? नील्स क्लासमेट. नील्स क्लासमेट्स. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नील्स क्लासमेट्स. सेकंड क्वेश्चन का मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद लिखना है. ही पुल्स अवर हेयर. ये लाइंस कौन बोले थे? ही पुल्स अवर हेयर. हु सेड दीज लाइंस? हु सेड दीज लाइंस? आंसर इज नील्स क्लासमेट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया. बिकॉज आप लोग बहुत छोटे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना आएगा कि नहीं करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया. ओके लिखो नील्स क्लासमेट. लिखो नील्स क्लासमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई कांट ड्रिंक दिस, इट इज सार. मैं ये नहीं पी पाऊंगा, ये बहुत खट्टा है. ये लाइंस कौन बोले थे? हु सेड दीज लाइंस? आई कांट ड्रिंक दिस, इट इज सार. मैं ये पी नहीं पाऊंगा, ये बहुत खट्टा है. ये लाइंस कौन बोले थे? Nushi beta, are you writing? Are you writing, Nushi? Nushi, are you writing, beta? Yes. Nushi beta, are you writing? Unmute your mic. वेरी गुड. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिख लिए. नील्स क्लासमेट्स लिख लिए. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नील्स क्लासमेट. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपको खुद को लिखना है. आई कांट ड्रिंक दिस, इट इज सार. मैं ये नहीं पी पाऊंगा क्योंकि ये बहुत खट्टा है. ये लाउन ए लाइन कौन बताया स्टोरी में? व्हाट हैपेंड तन्मय? कंप्लीटेड? Or else any doubt? What are line classes man? Man need something bus. Classmates लिखे हो, ठीक है. Neil's classmate लिखे तो अच्छा लगता है. कोई बात नहीं. You can write. You have more time. आपके पास बहुत time है, लिखो. Wait बेटा, आ रही हूँ. One minute. क्या थी? She has some doubt. Yes बेटा बोलो. Yes, tell me. Unmute your mic and tell me. What's your doubt? Next, sabhi log. Yeah. Haan, bolo, Khyati. Isme? Any doubt?
नहीं मैम नीचे खींचे हो गया पूरा आई हैव डन वेरी गुड वाव यू आर सो फास्ट ओके थर्ड क्वेश्चन लिखिए ओके प्लीज ड्रिंक दिस ओके ये पी लीजिए करके कौन बोले थे ओके यू ड्रिंक दिस ये वर्ड्स कौन बोले थे ओके प्लीज ड्रिंक दिस ओके नो प्रॉब्लम आप ये पी लीजिए ये ड्रिंक पिए करके कौन बोले थे थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखिए थर्ड क्वेश्चन के आंसर होने के बाद नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं है ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उसके बाद दो आंसर दिए हैं उनमें से करेक्ट आंसर को आपको चूज करना यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक ओके थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो पहले ओके प्लीज ड्रिंक दिस ये वर्ड्स कौन बोले थे हु सेड दीज लाइन्स वो होने के बाद आप लोगों को मैंने स्टोरी बताया और उनमें से कौन कौन से लाइन बोले थे ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है फिर मम्मा से गोई नहीं पूछेंगे आप खुद गेस करोगे कि ये लाइन्स कौन बोले थे ओके नोबडी शुड टेक हेल्प फ्रॉम मम्मा आप लोग खुद वीडियो क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में बैठोगे खुद गेस करोगे आंसर्स ओके जितना आता है उतना लिखो बट मम्मा से ज्यादा हेल्प नहीं लेना क्योंकि आप लोग मम्मा से हेल्प लेने से कब तक सीखोगे चलो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं दो आंसर दिए हैं ब्रैकेट में उसमें से एक आंसर को आपको लिखना है डैश हैड नो फ्रेंड्स किसके पास दोस्त नहीं है मिसेस शर्मा के पास या नील के पास किसके पास दोस्त नहीं आरव बेटा एनी डाउट आरव हाँ बेटा ऊपर का थर्ड ऊपर का थर्ड ठीक है मैं बता दूंगी बाद में ये लिख लेना ठीक है ये लिख लेना ऊपर का थर्ड में बताऊंगी आपको Now, Dash had no friends. किसके पास दोस्त नहीं है मिसेस शर्मा के पास या नील के पास किसके पास दोस्त नहीं है लिखो इन दोनों में से एक आंसर को आपको लिखना है इन दोनों में से एक आंसर को आपको लिखना है सिर्फ आंसर लिखो क्वेश्चन पूरा मत लिखो ओनली आंसर यू शुड राइट ओके Dash had no friends. किसके पास दोस्त नहीं है नेक्स्ट मम्मी एंड डैडी स्पोक टू नील्स डैश मम्मी डैडी किससे बात किए थे नील्स के टीचर से बात किए थे कि नील्स के फ्रेंड्स से बात किए थे इन दोनों में से आपको एक आंसर को लिखना है ये ब्लैंक में ये दो आंसर्स में से एक आंसर को आपको लिखना है मम्मी एंड डैडी स्पोक टू नील्स डैश मम्मी एंड डैडी नील्स के फ्रेंड से बात किए या टीचर से बात किए थे एक आंसर आप लोग लिखना है यू हैव टू चूज ओनली करेक्ट वन करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस टू आंसर्स आई होप एवरीबडी आंसरिंग आई थिंक है ना सब लोग आंसर्स लिख रहे हो नशी बेटा आपका माइक ऑन नहीं है और आपके वीडियो भी ऑन नहीं है आई डोंट नो यू आर राइटिंग और नॉट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मिसेस शर्मा गेव टू ग्लासेस ऑफ डैश टू नील मिसेस शर्मा गेव टू ग्लासेस ऑफ डैश टू नील मिसेस शर्मा ने नील को दो ग्लासेस ऑफ क्या दिए थे मिल्क दिए थे या लेमनोइड दिए थे मिल्क और लेमनोइड व्हाट शी गेव
2 glasses of milk or lemonade? 2 glasses of. Mr. Sharma gave 2 glasses of dash to Neel. इन दोनों में से एक ऑप्शन को लिखना है, मिल्क या लेमनेड, इसमें से एक आंसर को लिखना है. यस आगमारिका, एनी डाउट बेटा? कंप्लीटेड फोर आंसर्स. हाँ बेटा, कंप्लीट बोला मैम. कंप्लीटेड. ओके कंप्लीटेड, वेरी गुड, यू हैव कंप्लीटेड. रुको बेटा, दिखाती हूँ वो क्वेश्चन एंड आंसर से. यहां तक लिख लेना, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर सबको दिखाऊंगी. नेक्स्ट फोर्थ वन. नील अंडरस्टूड दैट ही शुड बी डैश टू अदर्स. नील को ये समझ में आ गया वो सभी के साथ कैसा रहना है. कैसा रहना है सभी के साथ, नाइसली रहना है या रूडली रहना है, ये दोनों में से एक आंसर आप लोग लिखोगे. नील अंडरस्टूड दैट ही शुड बी डैश टू अदर्स. नील को ये समझ में आ गया वो सबके साथ कैसे रहना है, नाइसली रहना या रूडली रहना है. यस राब्दी, डू यू हैव एनी डाउट? नो मैम, आई हैव कंप्लीटेड. वेरी गुड. यस आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, जस्ट वेट, लेट्स एवरीवन कंप्लीट टिल 4, देन आई विल स्क्रॉल डाउन. ओके, राइट डाउन फास्ट. ख्याति कंप्लीटेड, आरव कंप्लीटेड, तन्मय कंप्लीटेड बेटू. ओके, काव्या कंप्लीटेड. ओके दैट्स गुड. आरव कंप्लीटेड बच्चे? कारव कंप्लीटेड? ओके, देन आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. विल गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स देखूंगी, ये कैसे आप लोग आंसर करोगे. ट्राई करो बहुत अच्छा लिखने के लिए. ओके, हु वाज मिसेस शर्मा? मिसेस शर्मा कौन है? हु वॉज मिसेस शर्मा? मिसेस शर्मा वॉज करके फिर आप लोग लिखोगे, आंसर लिखोगे. हु वॉज मिसेस शर्मा? वॉट हैपेंड राब्दी, एनी डाउट? राइट डाउन मैम. हाँ, सिर्फ आंसर लिखना है कि सारे सेंटेंस लिखना है एक साथ? टाइम है, लिख सकते हो सारे सेंटेंस. राइटिंग प्रैक्टिस होगा. गुड. मिसेस शर्मा वाज, लिख के फिर आंसर लिखो. मिसेस शर्मा वाज, ये तो मिसेस शर्मा वाज ये जो है क्वेश्चन में ही है. ये देखो यहाँ पे, हु वाज मिसेस शर्मा, आपको क्या लिखना है? मिसेस शर्मा वर्स, लिख के फिर आंसर लिखना है. लिखो क्वेश्चन का आंसर लिखो. यस नुशी बेटा, अनम्यूट योर माइक. आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस बेटा, आपका वॉइस नहीं आ रही है, नॉट ऑडिबल. मिसेस शर्मा वर्स, आप रुको रुको, मैं अनम्यूट कर रही हूं. अनम्यूट करो. हाँ, आप बात करो बेटा. नो बेटा, आपका आवाज ही नहीं आ रही है कहीं पे भी ना, केबल का प्रॉब्लम है. नो प्रॉब्लम, आपको जितना आता है उतना लिखो और मुझे भेजो. ओके, मैं करेक्ट करूंगी. ओके, आप लिखो मिसेस शर्मा कौन है, लिखो. मिसेस शर्मा वर्स, लिखो, ट्राई करो लिखने के लिए. आपका ना आवाज नहीं आ रही है. मिसेस शर्मा वर्स, लिख के फिर आंसर लिखोगे. गीत बेटा, लिख पा रहे हो आप? आर यू एबल टू राइट? मैम कुछ पूछे, जवाब दे. गीत, आर यू एबल टू राइट? से यस और नो.
Okay, she is not okay. Okay, she is feeling sad. Don't cry. Don't cry. Yes. Happily likho. आप बहुत अच्छे हो ना, अच्छे से लिखते हो ना. Don't cry. लिखने के लिए पढ़ने के लिए कोई नहीं रोते. नुशी डोंट क्राई बेटा. क्या हुआ? आपको जितना आता है उतना लिखो. रोना नहीं बट लिखना है, ट्राई करना है. ओके, जितना आता है उतना लिखो बट डोंट क्राई. डोंट क्राई. आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसीलिए बता रही हूं मैं. रोना नहीं. ओके गुड. लिखो लिखो मेरे अच्छे बच्चे हैं ना. मिसेस शर्मा वाज नेक्स्ट. सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है सबका फिनिश हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हाई नील डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ फर्स्ट ग्लास ऑफ लेमनेड. नील को फर्स्ट ग्लास ऑफ लेमनेड क्यों पसंद नहीं आया? क्यों पसंद नहीं आया? बिकॉज क्यों समझ में? क्यों पसंद नहीं आया? फर्स्ट ग्लास ऑफ लेमनेड क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट ग्लास ऑफ लेमनेड कैसा था? बिकॉज इट वॉज ऐसा करके लिखना. व्हाई नील डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ फर्स्ट ग्लास ऑफ लेमनेड. आपको वन वर्ड में लिखना आता है तो वन वर्ड में लिखो. अगर पूरा सेंटेंस में लिखने आता है तो वो और बड़ी अच्छी बात है. पूरा लिखोगे तो आप लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस होगा. ख्याति यू आर नॉट ट्राइंग. सॉरी ख्याति, सॉरी नुशी, यू आर नॉट ट्राइंग एट ऑल. आप भी बिल्कुल बुक नहीं लिया और एक भी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो. अभी बुक ले रहे हो बिटू? How was the first glass of lemonade? Second question का answer लिखना है कि how was the first glass of lemonade? First glass of lemonade कैसा taste था वो लिखना है. इसीलिए उनको पसंद नहीं आया था. नील को पसंद क्यों नहीं आया था first glass of lemonade? Now third question. Why was Neil sitting alone in the park? Neil park में अकेला क्यों बैठा है? Because अकेले क्यों बैठा है? किसी के साथ क्यों नहीं खेल रहे थे? क्योंकि उसके पास friends नहीं थे, है ना? He doesn't have friends, so he sat alone. उनके पास friends नहीं थे इसीलिए वो अकेला बैठा है. वाई नील है नील सिटिंग अलोन इन द वाई वॉज नील सिटिंग अलोन इन द पार्क. वाई वॉज नील सिटिंग अलोन इन द पार्क. नील अकेला क्यों बैठा था?
Why was Neel sitting alone in the park? Neel पार्क में अकेला क्यों बैठा है? Completed बच्चों? Yes, Agam, any doubt? Completed बोल. Completed हो गया. Wow, very good. Wow, very good. Fourth question. How did second lemonade taste? Second glass of lemonade taste कैसा था? Second glass of lemonade का taste कैसा था? How did the second glass lemonade taste? Second glass lemonade कैसा taste? उनका taste कैसा था? Fourth question का answer लिखो. How did the second lemonade taste? How did the second lemonade taste? Second lemonade ka taste kaisa tha? Fourth question ka answer. Now fifth question. What did Neel's classmate tell about Neel? Neel's classmates jo hai, Neel ke baare mein kya bole the? Ye three sentences ka answer hai. इसको आप लोग ट्राई कीजिए लिखने के लिए. ही पुल्स अवर हेयर, ही पुशेस अस, ही स्पॉइल्स अवर गेम. ट्राई करो ये लिखने के लिए. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर थोड़ा टफ है, ट्राई करो लिखने के लिए. फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बहुत टफ है, लिख सकते हो फिर भी. ही पुल्स आवर हेयर, ही पुशेस अस, and he spoils our game. He spoils our game. Try karo ye three sentences likhne ke liye. Neel ke classmates Neel ke bare mein kya bole the? What did Neel's classmate tell about Neel? Neel ke classmates Neel ke bare mein kya bole the? Arav Jain, aap ye question nahi kiye the na? Third question. Okay, please drink this. Ye wala nahi kiye the na aapne? Arav, ye wala nahi kiye the aap. Okay, please drink this. Ye words kon bole the story mein? इट्स ओके, आप ये पी लीजिए करके कौन बोले थे? ये एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो लिखो, नहीं आता है तो नॉट इन. नुशी, will you please sit in the chair? एक क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं लिखे हो. हाँ, कैसे होगा ऐसा? ये वन वर्ड आंसर्स कम से कम आप लिख सकते हो ना बेटा.
लिख रहे हो? आपका तो आवाज नहीं आ